नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में। और हम आज बात करने वाले हैं पोलैंड के बारे में। Are we going to discuss about Poland today? No, we're going to discuss about completely different country. हाँ जी, तो बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात नहीं करने वाले हैं पोलैंड के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं टुडे वी गोना टॉक अबाउट UK, United Kingdom. बिल्कुल सही सुना आपने। तो हम आज बात करने वाले हैं UK वीजा के बारे में। और ये एक स्पेशल वीजा है जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और उसको बोलते हैं इंडियन यंग प्रोफेशनल वीजा स्कीम, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था इस बारे में, काफी सारे रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। तो उन सारे रिक्वेस्ट को देखते हुए आज मैंने और हमारी वीरा जी ने किया है फैसला बनाने का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। और आपको हम बताते हैं इस वीज़ा के बारे में दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इस वीज़ा के बारे में थोड़ी डिटेल में, और जानते हैं कि क्या है वीज़ा, क्या है इसकी एलिजिबिलिटीज़, कौन कर सकता है इसको अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए वीडियो पे। Yes, Vera, they should not skip the video, right? You should not. If you want to know something new, useful, and which you can use in your life, applying this visa, you should watch this video till the end. हाँ जी दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और हम बात करते हैं इस वीज़ा के बारे में। तो वेरा आपको बताएंगी कि इस वीज़ा, ये एक्चुअली में वीज़ा ये है क्या एग्जैक्टली में। सो वेरा प्लीज टेल द व्यूअर्स व्हाट दिस वीज़ा इज ऑल अबाउट। What can I say about this visa? This an Indian young professional scheme visa allows Indian citizens who are in the age from 18 years to 30 years old to work and live legally in United Kingdom up to 2 years. हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये visa वो सारे लोग करते हैं क्वालिफाई जिनकी एज है 18 से 30 साल तक, और जो कि हैं एक इंडियन सिटीजन, वो सारे लोग इस वीज़ा को कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि इस वीज़ा का नाम ही है यंग इंडियन प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम। तो ये सारे यंग लोगों के लिए है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिनकी एज 18 से 30 साल है और जो एक इंडियन सिटीज़न है, वो सारे लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम और भी बात करेंगे, और भी डिटेल में जानेंगे इस सारे प्रोसेस को और इन सारी चीज़ों को, तो बने रहिए वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इस वीज़ा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, कि इस वीज़ा के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको बनाती हैं एलिजिबल इस वीज़ा के लिए। तो दो चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ डिस्कस, कि आप होने चाहिए एक इंडियन सिटीज़न, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। तीसरा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो ये है कि आपका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है और वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इस वीज़ा में वो लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं जिनका ऑलरेडी कोई बच्चा है जिसकी एज 18 से कम है और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। और इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 4, जो इसका जो चौथा पॉइंट है, आपके अकाउंट में होने चाहिए पूरे 2530 पाउंड, 2530 पाउंड्स यू शुड हैव इन योर अकाउंट, और ये आपका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए विद इन वीज़ा अप्लाई करने के 30 दिन तक। आपके अकाउंट में ये बैलेंस होना चाहिए मेंटेन, जो कि है 2530 पाउंड। और दोस्तों, आपको साथ में देना है अपना एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और साथ में आपको टीबी नहीं होना चाहिए, तो आपको इसके लिए देना पड़ेगा एक मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, तो एक और पॉइंट, एक और क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीज़ा के लिए, कि आपके पास होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम बैचलर्स डिग्री। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये था आपका लास्ट एलिजिबिलिटी पॉइंट इस वीज़ा के लिए। और आगे चलिए बात करते हैं कि हम कब कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई, हम कैसे कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे ये पॉइंट्स। तो इस बैलेट स्कीम में आपने करनी है प्रोवाइड अपनी डिटेल्स, आपने सिंपली ये लिंक खोलना है
और आपने डालनी है अपनी डिटेल्स। डिटेल्स आपने इसमें डालनी है बहुत ही सिंपल, जैसे कि आपको डालना है अपना नाम, आपका नेम और आपका सरनेम। आपने डालनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपने डालनी है स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। तो सिर्फ ये डिटेल आपने डाल करनी है अंडर इस बैलेट सिस्टम में और कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं चाहिए आपको डालने के लिए। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। 28 तारीख को 2:30 बजे एज पर इंडियन टाइम आपने आपको ये बैलेट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आपने एक लिंक खोलना है, आपने ये सारी डिटेल फटाफट से फिलअप कर देनी है और बाकी आपने कुछ नहीं करना है। जो बैलेट खुलने वाला है, इस बैलेट में टोटल जो वीज़ा करे जाएंगे एक्सेप्ट, वो मेरे ख्याल से करे जाएंगे 2400 वीज़ास जो करेंगे एक्सेप्ट इस बैलेट में, जो कि खुलने वाला है 28 फरवरी को दोपहर के 2:30 बजे एज पर इंडियन टाइम गाइस। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे ये प्रोसेस की, अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस क्या है। तो अप्लाई करने के बाद आपको जो ये बैलेट है ये खुल रहा है आपका 28 फरवरी को इंडियन टाइम 2:30 बजे और ये बैलेट क्लोज होगा आपको 2 मार्च को, 2 मार्च को 2:30 बजे ये बैलेट क्लोज जाएगा। बैलेट क्लोज होने के बाद जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं इस वीज़ा स्कीम में उनके पास एक ईमेल जाएगी उनको नोटिफाई करने के लिए कि वो सेलेक्ट हुए हैं या फिर वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं विद इन द 2 वीक्स ऑफ द बैलेट क्लोजिंग। और ये ईमेल मिलने के बाद अगर आप क्वालिफाई हुए हैं इस वीज़ा स्कीम के लिए तो आप फर्दर अपना वीज़ा कर सकते हैं अप्लाई। तो एक बार आपको ईमेल मिलने के बाद कि आप सेलेक्ट हो गए हैं इस वीज़ा के लिए, आपको मिलेंगे 30 दिन ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इस 30 दिनों के भीतर भीतर आपको ये कर देना है वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन और आपको अपनी पूरी करनी है फॉर्मेलिटीज़। ये फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप बिल्कुल सेट हैं जाने के लिए यूके, वहाँ पर रहने और काम करने के लिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो ये सारी डिटेल्स थी इस वीज़ा के बारे में जो हमने डिस्कस करी इस वीडियो में। काफ़ी इजी प्रोसेस है, इट वाज रियली एन इजी प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, यस व्हाट डू यू थिंक। हाँ जी, तो काफ़ी इजी था ये प्रोसेस अप्लाई करने का इस वीज़ा को। तो जो भी लोग करते हैं क्वालिफाई इस वीज़ा के लिए, फटाफट से 28 तारीख को इंडियन टाइम 2:30 बजे बिल्कुल रेडी हो जाएं और अपनी एंट्रीज आप डाल दें बैलेट में। हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको और जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस वीज़ा के बारे में मैंने और वेरा ने आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो क्या करेंगे आप, व्हाट दे शुड डू वेरा? If you like this video, it was useful and informative for you, please like karo, subscribe karo and share your opinion, give some questions to us in down below comments. And guys, don't forget to press that bell icon so that you get all the notification from the channel. Whenever we upload a new video, you get notified and you watch the videos. तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, आज की इस वीडियो को यहीं पे और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी और वेरा की तरफ से राम 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 राम।